जिंदगी में सबसे ज्यादा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीशा रेस। कैसे हैं जी? मुझे सारे टिकटॉक होंगे और जी मलयालम मूवीज मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब कुछ ऐसी भी मैंने देखी है जिसमें बहुत ज़्यादा बजट नहीं लगा था लेकिन स्टोरी ओ माय गॉड ओफ ज़बरदस्त। तो हमने जी इससे पहले मार्को ऑफिशियल टीज़र देखा था और आज हम देखेंगे जी हिंदी में, ठीक है। और सबसे जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि यूनी मुकंदन है, उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि बड़े अच्छे जो है ना ये बनते हैं विलन एक और भी जो है मूवी के अंदर, और इसमें भी ये मेरा ख्याल है कि विलन है और विलन क्या बने हैं, मतलब हीरो से भी आगे। और इनके लुक्स हर चीज़ बहुत अच्छी है और साथ में ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है वायलेंस ये वो मार धार काट पीट। मैंने कहा था कि मुझे जॉन विक की और एनिमल जो मूवी आई थी उसकी मिक्सचर कुछ तीसरी चीज़ मुझे जो है नज़र आई। तो अभी देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अनीशा ऑफिशियल मुझे ज्वाइन करो जो कि इंस्टाग्राम पे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट। चलो। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द पता है कब होता है? जिन्हें बहुत चाहते हैं। सही बात है। जब वो हमारे सामने तड़प तड़प के दुनिया छोड़ देते हैं। मार्को के सामने बोले गए हर शब्द का हिसाब रखना होगा। ईच एंड एवरी वर्ड काउंट्स। तुम्हें पता है मार्को कौन है? कोई है जिसे तुमने दुश्मनी नहीं की? तुम्हें यकीन है कि वो सब मेरे दुश्मन है? तरेस के सोनास युद्ध का ऐलान कर चुका है वो। इससे पहले ही मैंने देखा था और मैंने यही बोला था, कैसे कान चबा गया यार अगला। तो साफ नजर आ रहा है कि इनकी फैमिली के साथ कुछ बुरा हुआ है, उसके बाद इनका ये रिएक्शन आया। और क्या रिएक्शन आया है, मतलब छोड़ूंगा नहीं, एक एक को चुन चुन के मार दूंगा। लुक बहुत अच्छा लग रहा है इनपे, बिल्कुल एंग्री बने हुए हैं, विलन बने हुए हैं। मेरा ख्याल हो सकता है पहले कभी हीरो हो, क्योंकि इसका ट्रेलर आएगा तो मालूम होगा, लेकिन अभी जो इनका लुक आ रहा है वो वाकई पूरा जो है ना वो विलन वाली वाइब आ रही, लेकिन दमदार, क्योंकि जिस विलन के अंदर दम ना हो वो भी कोई विलन है यार। जब बन ही गए हो तुम लोग विलन तो फिर ठीक तरीके से बनो, और इन्होंने बिल्कुल इंसाफ किया है। जॉन विक वाली फीलिंग है यार, जॉन विक का जो करेक्टर है मुझे बहुत पसंद था, और जैसे उसके कुत्ते को भी मार देते तो वो छोड़ता नहीं, इसी तरह इनको भी जो है ना वो किसी ने छेड़ दिया बड़े गलत तरीके से, लेकिन ये चुन चुन के बदला लेंगे। एक्शंस बहुत अच्छे हैं, वो जो मैं कहता हूँ जो जूतों पे आग लगी हुई थी वो बड़ा अच्छा सीन था। स्टार्टिंग जैसे वो खड़े होते हैं उनका बैक से जो लिया, ओहो क्या बात है, जबरदस्त। मुझे बहुत मजा आया, इनकी टीजर का इंतजार था और मैं चाह भी रही थी कि हिंदी में आए तो हमें मालूम हो कि इसमें क्या आ रहा है। तो हिंदी में ये आ गई है इसका टीजर, तो इसका ट्रेलर का इंतजार रहेगा। आप लोगों को और अपडेट मिले तो प्लीज शेयर कीजिएगा नीचे जो है कमेंट्स में, मुझे बहुत मजा आया। ठीक है, आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे इंतजार रहेगा आपकी राय का। और जी अनीशा ऑफिशियल में मुझे ज्वाइन करो जो कि इंस्टाग्राम पे, और न्यू अपडेट्स के लिए वहां पे हाजिर हो जाए, और यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाना। ओके जी, बाय।